डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 126वीं जयंती की सभी को मंगल कामनाएं। पिछले साल हमने 125वीं जयंती मनाई, इस साल 126वीं जयंती का पदार्पण हो चुका है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये केवल भारतीय संविधान के निर्माता ही नहीं, संविधानिक और लोकतांत्रिक भारत के पिता भी है, और वैसे ही आधुनिक वैज्ञानिक भारत के पिता भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। उसी तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये दुनिया के महानतम बुद्धिजीवी, महानतम मानवतावादी क्रांतिकारी और एक स्टेट्समैन भी है, फिलोसोफर भी हैं। तो आज हम बाबा साहब अम्बेडकर की न्यू इंडिया एंड न्यू वर्ल्ड, ये जो दो संकल्पनाएं हैं उसके ऊपर में फोकस करेंगे। जब 1942 में गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट कर रहे थे, उस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्विट इंडिया नहीं, न्यू इंडिया की ज़रूरत है, ऐसा आइडिया जो है वो दिया था। और ये न्यू इंडिया और न्यू सोशल ऑर्डर की जो आइडिया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण आइडिया है। कौन सी वो आइडियाज़ है जिसके आधार पे जो कास्ट फ्यूडल, जो हमारा पेट्रियार्कियल और रिलीजियस इंडिया है, यानी भारत के अंदर में वैदिक पीरियड से लेके अगर बुद्धिस्ट पीरियड को छोड़ दिया जाए तो भारत जो है वो कास्ट फ्यूडल पेट्रियार्कियल और इरिलीजियस इंडिया था, यानी ये जाति के आधार पे था, ये फ्यूडल यानि सामंतशाही के आधार पर था, पेट्रियार्कियल यानि पुरुषसत्ता, पुरुषों की डोमिनेंसी के आधार पे था, और इरिलीजियस यानि अधर्म, धर्म की गलत संकल्पना के आधार पर यहाँ की सामाजिक व्यवस्था थी, और उसी के आधार पर यहाँ पर पॉलिटी ऑर्गेनाइज की गई थी श्रुति और स्मृति लॉस के तहत में। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो न्यू इंडिया न्यू सोशल ऑर्डर है, मैं समझता हूँ कि ये संकल्पना को समझने की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली 21वीं शताब्दी में, कि ये नया भारत कैसे निर्माण हो सकता है। इसमें लगभग 12 ऐसी पॉलिसीज़ है और ऐसे जो लॉज हैं और ऐसी जो कल्चर की जो है वो स्थापना है जिसको लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने राइट सिंस 1918 जो है वो अपनी बात को जो है वो कहा है। स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड द रेमेडीज़ के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1918 में भारत की पावर्टी को सॉल्व करना है तो केवल एग्रीकल्चर से ये सॉल्व नहीं होगी, भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की ज़रूरत है, ऐसा नया थॉट दिया। और भारत की जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग्स है, यानी छोटी छोटी जो ज़मीनें हो रही है, वो ज़मीनों को जो है वो इकोनॉमिक होल्डिंग्स बनाना हो चाहिए, ये एक बड़ा थॉट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। यानी भारत के एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए इकोनॉमिक होल्डिंग्स, यानी ऐसी खेती जहाँ पर जो है वो ज़मीन जो है बड़ी या छोटी ना हो, ऑप्टिमम हो, जहाँ पर इनपुट्स प्रॉपर हो, चाहे वो सीड्स है, चाहे टूल्स है, चाहे इरिगेशन है, ये तमाम चीज़ें हो, और ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ताकि हमारा जो प्रीमियम ऑन एग्रीकल्चर है, जो ज़्यादा डिपेंडेंसी था एग्रीकल्चर पर, वो ना रहे, भारत इंडस्ट्रियलाइजेशन से पावर्टी से बाहर जाए। ये एक थॉट बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ा महत्वपूर्ण है। और स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ में बाबा साहब अम्बेडकर ने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की भी बात कही, यानी जो हमारे यहाँ का सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ना रहते हुए एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री बने, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण थॉट है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। इसी के साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने 1930s के अंदर में, जब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का फॉर्मेशन हुआ और बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में जब वो चुन कर गए, और बाद में CPN बरार और बॉम्बे प्रोविंस से भी जो है ILP के मेंबर्स 21 मेंबर्स चुन कर गए थे, तो उस समय में बाबा साहब अम्बेडकर ने, क्योंकि गांधी जी जो है वो गांव की वकालत करते थे, गांव की जो है संकल्पना में ज़्यादा बिलीव करते थे, और गांव में ही कास्ट सिस्टम ज़्यादा मजबूत रही है, नैरो माइंडेडनेस गांव में ही जो है वो ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी जी के जो दो थॉट्स थे, एक विलेज और दूसरा जो मशीन के खिलाफ गांधी जी का व्यू था, तो बाबा साहब अम्बेडकर ये दोनों ही चीज़ों में प्रोग्रेसिव थिंकिंग बाबा साहब की थी। तो बाबा साहब ने ये कहा कि हमें अर्बनाइजेशन करने की ज़रूरत है और गाँव से ज़्यादा लोगों को बाहर निकालने की ज़रूरत है। इससे दो काम होंगे, एक जहाँ लिविंग स्टैंडर्ड्स लोगों का अप आएगा, वहीं दूसरी तरफ जो कास्ट की जो प्रॉब्लम है, कम्युनलिज्म की जो प्रॉब्लम है, वो जो है वो नारो होगी। ये एक बाबा साहब अम्बेडकर का अर्बनाइजेशन का जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण जो है वो थॉट है। आज स्मार्ट सिटीज़ और ये सब कंसेप्ट आ रही है, मैं समझता हूँ यह बाबा साहब का अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का थॉट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत की पॉपुलेशन पॉलिसी को एड्रेस किया कि भारत में जब तक हम प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे और पॉपुलेशन की पॉलिसी को हम कम नहीं करेंगे,
जब तक जो है पॉपुलेशन पॉलिसी से पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक भारत की पावर्टी जो है वो कम नहीं होगी, ऐसा थॉट बाबा साहब ने 1938 में दिया और बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में उनके बिहाफ पर बिल भी मूव किया गया था पीजे रोहम के तरफ से, जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के मेंबर थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर का यह पहला थॉट है एग्रीकल्चर को जो है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बनाना, इकोनॉमिक होल्डिंग्स बनाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन पॉलिसी। अब यहाँ पर अगर इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है तो इंडस्ट्रीज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, तो इसलिए जब बाबा साहब अम्बेडकर जब लेबर मेंबर थे वॉइस रॉय लिनलिथगांव के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 1942 से 46 का जो पीरियड है, तो उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बड़ा फंडामेंटल जो है वो पॉलिसी इनिशिएटिव किया। क्या पॉलिसी इनिशिएटिव किया कि उस समय जैसे उड़ीसा की ये महानदी जो नदी है या बिहार की जो है ये सोन नदी है या दामोदर जो वैली है वेस्ट बंगाल की, ये जो बिहार झारखंड और बंगाल का जो और उड़ीसा का जो बेल्ट है वहाँ फ्लडिंग की बड़ी प्रॉब्लम्स थी। उस समय में लोगों का ये व्यू था कि भाई फ्लडिंग को कंट्रोल करना है तो एम्बैंकमेंट्स होने चाहिए, यानी दोनों तरफ ऐसी मट्टी की या पत्थरों की दीवार बनाई जाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय में इस थॉट के एवज में एक अल्टरनेटिव थॉट दिया जिसको हम कहते हैं मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट, जैसे यूएसए का टेनेसी वैली प्रोजेक्ट है उसके आधार पर, कि भाई एम्बैंकमेंट बनाने से जो है फ्लड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, लेकिन अगर हम बड़े डैम्स बनाते हैं उसके ऊपर में तो हमको चार फायदे होंगे। क्या फ़ायदे होंगे? एक तो फ्लड कंट्रोल होगा, दूसरा नेविगेशन होगा उसके अंदर में, यानी लोग आ जा पाएंगे नावों से छोटी या बड़ी, तीसरा जो है उसमें से जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा, ये एक महत्वपूर्ण बात है, और चौथा इरीगेशन होगा। तो बाबा साहब ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए चीप इलेक्ट्रिसिटी की बात कही, तो चीप इलेक्ट्रिसिटी से इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और उससे हमारे देश का जीडीपी भी बढ़ेगा, तो उस तरह से हमारी ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये एक इंटीग्रेटेड थॉट है बाबा साहब अम्बेडकर का कि एक तरफ एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री बनाया जाए, दूसरे तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से पावर्टी से बाहर लोगों को निकाला जाए, एम्प्लॉयमेंट लाया जाए, जीडीपी ग्रोथ की जाए और साथ में जो है अर्बनाइजेशन में लिविंग स्टैंडर्ड्स को जो है वो बड़े स्टैंडर्ड्स में जो है वो ले जाने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ ये एक इंटीग्रेटेड थॉट है जिसके तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। उसी तरह बाबा साहब जब लेबर मिनिस्टर थे, जब लेबर मेंबर थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमें टूल्स मैन की ज़रूरत है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने टेक्निकल जो ट्रेनिंग का जो पार्ट है जिसको आज हम स्किल इंडिया वगैरह की प्रोजेक्ट्स कहते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कहते हैं, तो ही वॉज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस दिस स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम जब वो मिनिस्टर थे, कि भाई हमें टूल्स मैन यानी इंजीनियर्स की ज़रूरत है, वी शुड हैव अ स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन आवर यूसी करिक्यूलम, तो ये जो है उन्होंने इम्पार्ट किया। उसके साथ में अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस को जो है उन्होंने बड़े पैमाने पर जो है वो इंट्रोड्यूस किया, और साथ ही साथ क्योंकि बाबा साहब के पास में जो है लेबर के साथ साथ में जो है वो पब्लिक वर्क्स का भी जो है वो चार्ज था और मिनरल्स एंड माइंस का भी चार्ज था, तो उस समय में बाबा साहब अम्बेडकर ने मिनरल पॉलिसी होना चाहिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को संयुक्तिक मिनरल पॉलिसी होना चाहिए, ये एक बड़ा थॉट जो है उस समय में दिया, और मिनरल पॉलिसी फॉर्म्यूलेशन की शुरुआत भी बाबा साहब अम्बेडकर जब लेबर मिनिस्टर थे तब उसकी शुरुआत हुई। इसके साथ हम सब जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर वॉज अ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, अ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल विजार्ड, अ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, पर ये होते होते बाबा साहब अम्बेडकर वॉज प्राइमरली एन इकोनॉमिस्ट, वो बेसिकली एक इकोनॉमिस्ट थे और बहुत दुनिया के बड़े इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने केन्स जैसे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको जो है उनकी थेरीज को चैलेंज किया। बाबा साहब अम्बेडकर जो पब्लिक फिनांस है एंड मॉनेटरी पॉलिसी है जिसको जैसे आरबीआई आज जो है मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, पब्लिक फिनांस है, टैक्सेशन है, और इसके साथ साथ पॉलिटिकल इकोनॉमी के भी एक्सपर्ट थे। तो हम सब जानते हैं कि हिल्टन यंग कमीशन को 1925 में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो डिपोजिशंस दिए और बाबा साहब की जो दो फेमस जो रिसर्च है, एक तो प्रॉब्लम ऑफ रुपी और दूसरी प्रोविंशियल फिनांस इन ब्रिटिश इंडिया, ये जो दो बुक्स है जो रिसर्च है बाबा साहब के, तो वो बुक्स को जो एमएससी और डीएससी के उसको हिल्टन यंग कमीशन ने रेफ़र किया, और उसके बाद 1 अप्रैल 1934 को आरबीआई की स्थापना हुई, हम ये सब जानते हैं। यानी भारत में मॉनेटरी पॉलिसी की शुरुआत में बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे बड़ा जो है योमैंस रोल रहा है, एक लीडिंग और पायनियरिंग रोल रहा है, एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होना चाहिए इस बात को महत्व दिया। अब आज दुनिया भर में जैसे थॉमस पिकेटी जैसे जो स्कॉलर्स है जो जिन्होंने कैपिटल इन 21st सेंचुरी जैसा बड़ा रिसर्च दुनिया के आगे लाया है, जो दुनिया में विषमता बढ़ गई है,
ये विषमता कम करने के लिए पूरे दुनिया में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ऑन कैपिटल होना चाहिए, ये थॉमस पिकेटी का जो है वो व्यू है. एंड डॉक्टर अम्बेडकर वॉज अ पायनियरिंग यूसी इकोनॉमिस्ट टू गिव व्यूज ऑन यूसी द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. भारत में अगर इक्विटी लाना है, केवल इक्वालिटी नहीं, केवल पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं, केवल सोशल इक्वालिटी नहीं, लेकिन आर्थिक इक्वालिटी यानी इक्विटी, भागीदारी अगर लाना है तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की ज़रूरत है. ये बाबा साहब अम्बेडकर का एक बड़ा महत्वपूर्ण व्यू है. मैं समझता हूँ कि वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर जिसमें लोगों का डेवलपमेंट हो और एक वेलफेयर स्टेट की निर्मित हो, ये बाबा साहब अम्बेडकर का इकोनॉमिक्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट व्यू है. उसी तरह स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने स्टेट सोशलिज्म का थॉट दिया कि भाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अगर हमको सोशलिस्ट इकोनॉमी बनाना है तो उसका एक यूनिक मॉडल रशिया से अलग हट के बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, जिसमें भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी रहे और भारत के अंदर में एक सोशलिस्ट इकोनॉमी भी रहे. अब वो मॉडल तो कुछ कारणोंवश जो है वो सक्सेस नहीं हुआ, नेहरू जी ने नहीं माना उसको, ये अलग बात है कि रशिया और चाइना में भी बाद में वो सक्सेसफुल नहीं हुआ. लेकिन व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द मॉडल ऑफ यूज स्टेट सोशलिज्म ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, पर्टिकुलरली एज इनन्सिएटेड इन स्टेट एंड माइनॉरिटीज़, जिस बात को हम समझ सकते हैं वो ये कि बाबा साहब एम्फोसाइज्ड ऑन द एलोकेटिव फंक्शंस ऑफ द इकोनॉमी एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शंस ऑफ द इकोनॉमी. यानी राज्य जो है वो दोनों फंक्शंस करता है, एलोकेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी एक उत्पादन भी करता है इकोनॉमी का और दूसरा जो है वो वितरण भी करता है. तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ में स्टेट्स पे एम्फोसिस है, लेकिन बाबा साहब ने रशियन इकोनॉमिक मॉडल की तरह या जिसको साइंटिफिक सोशलिज्म कहा जाता है मार्क्स का, उस तरह प्राइवेट एंटरप्राइज को इग्नोर नहीं किया. उन्होंने कहा कि भाई स्टेट को प्री एमिनेंस हो, की इंडस्ट्रीज जो है कोर इंडस्ट्रीज ये स्टेट के पास रहे और प्राइवेट एंटरप्रीनरशिप को भी, प्राइवेट एंटरप्राइज को भी जो है वो अपॉर्चुनिटी दी जाए. तो ये जो थॉट बाबा साहब अम्बेडकर का है, स्टेट मार्केट एंड सिविल सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, सिविल सोसाइटी इज़ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी विद पब्लिक कंसाइंस, अगर बाबा साहब के थॉट्स में अगर मैं कहूँ तो ये जो थॉट्स है, तो जैसे आर्थर लेविस जैसे जो अभी कंटेम्प्रेरी जो इकोनॉमिस्ट है, अमृता सेन जैसे कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिस्ट है, या जिन्होंने न्यू इकोनॉमिक थेरीज को रखा, रोमर एंड ल्यूकास जैसे जो इकोनॉमिस्ट हैं, तो उनका भी थिंकिंग आज यही है कि भाई स्टेट के साथ मार्केट की ज़रूरत है, मार्केट के साथ स्टेट की ज़रूरत है और सिविल सोसाइटी यानी डेमोक्रेटिक सोसाइटी की ज़रूरत है. तो मैं समझता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर जो है इस थॉट में भी जो है वो पायनियरिंग जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर का थॉट था. और इकोनॉमिक्स का जो थॉट बाबा साहब अम्बेडकर ने जिया, इसमें इकोनॉमिक कंसिडरेशंस के साथ ह्यूमन एंड मॉरल कंसिडरेशंस भी बाबा साहब के पूरे इकोनॉमिक फिलॉसफी के अंदर है. तो इसलिए बाबा साहब का जो अम्बेडकराइट इकोनॉमिक्स है वो रेडिकल इमेंसिपेटरी इकोनॉमिक्स हम कह सकते हैं. एक इकोनॉमिक्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स है, दूसरा सोशलिस्ट या मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स है, तीसरी स्कूल वेलफेयर इकोनॉमिक्स की है. लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जो इकोनॉमिक्स है, जो टोटल जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रीऑर्गेनाइज हो, ये जो इकोनॉमिक थिंकिंग है और इसके आधार पे इक्वालिटी के साथ इक्विटी है और वेलफेयर हो सारे लोगों का, ये मैं समझता हूँ कि रेडिकल इमेंसिपेटरी ह्यूमैनिटेरियन इकोनॉमिक्स है. इसको हम अम्बेडकराइट इकोनॉमिक्स कह सकते हैं. शिक्षा के क्षेत्र में बाबा साहब अम्बेडकर का जो रोल है वो हम सब जानते हैं. महात्मा फुले के बाद जो है बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे बड़ा एजुकेशन का थॉट है. बाबा साहब ने एजुकेशन को सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किया. बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहा कि किसी भी राष्ट्र का जो प्रोग्रेस है वो केवल एजुकेशन के प्रोग्रेस से ही डिपेंड होता है, उस पर ही डिपेंड होता है. लेकिन एजुकेशन जो है उसमें दो महत्वपूर्ण बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने कही, पर्टिकुलरली जो बहुजन्स है, बहुजनों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का जो संदेश है कि हमें केवल प्राइमरी एजुकेशन से जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन से सेटिस्फाइड नहीं होना है, हमें टर्शियरी एजुकेशन पे जो है वो एम्फेसिस जो है वो डालने की ज़रूरत है. और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हायर एजुकेशन इज़ द पैनेसिया ऑफ ऑल इल्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट, यानी जो दलित्स है, जो आदिवासीज है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसका अगर कोई एकमात्र दवाई है तो वो हायर एजुकेशन है. तो ही स्ट्रांगली एडवोकेटेड हायर एजुकेशन एंड की पोस्ट, यानी हम एक तो उच्च शिक्षित हो और की पोस्ट में जाए, चाहे मान लीजिए हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में जाए या नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में जाए या साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन में जाए, जो काका कलेलकर कमीशन के आगे जो इंजीनियर डॉक्टर्स की बाबा साहब ने बात की थी, अगर वो आज होते तो शायद साइंटिस्ट की बात करते. तो मैं समझता हूँ हायर एजुकेशन एंड की पोस्ट, ये बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो थॉट है. और मूक नायक में 1920 में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखते हुए, आज 80 साल पहले हार्वर्ड गार्डिनर के, हार्वर्ड गार्डिनर आज एक बड़े इमिनेंट जो है वो एजुकेशनिस्ट है,
और वो ये कहते हैं कि जब 21st सेंचुरी के एजुकेशन की बात हुई, थर्ड मिलेनियम के एजुकेशन की जब बात हो रही थी, डेलोरस कमीशन जब बना यूनाइटेड नेशंस और यूनेस्को के जो है वो पैट्रोनेज में, कि भाई अभी आने वाले 1000 साल की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो हार्वर्ड गार्डिनर ने कहा कि भाई इंटेलिजेंस एंड मॉरालिटी को जब तक आप रिकनसाइल नहीं करेंगे तो ये जो हमारी जो जनरेशन्स आने वाली है उसमें हारमोनी नहीं होगी, उससे समाज और ये डेमोक्रेसी और ये जो पूरा हमारा अर्थ क्लाइमेट जो है इसमें कॉन्ट्रेडिक्शन आएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1920 में सेम बात कही थी कि अलॉन्ग विथ इंटेलेक्ट द माइंड हैज़ टू बी कल्टिवेटेड, यानी हमारे बुद्धि के साथ साथ हमारे मन को कल्टिवेट करने की ज़रूरत है, यानी इंटेलिजेंस प्लस मॉरालिटी के आधार पर एजुकेशन हो, तभी जो है समाज और राष्ट्र और दुनिया का सही डेवलपमेंट हो सकता है। ये संकल्पना मैं समझता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ा इम्पॉर्टेंट संकल्पना है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। इसके साथ बाबा साहब अम्बेडकर के लेबर और वुमेन्स के लिए जो काम है, लेबर राइट्स के लिए और वुमेन राइट्स के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, ये सब जग जाहिर है। बिकॉज भारत के अंदर में चाहे वो बेवरेज रिपोर्ट हो जिसमें सोशल सिक्योरिटी की रिपोर्ट आई, उसके पहले उठाकर अगर हम इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का मैनिफेस्टो देखते हैं जो फेबरवरी 1937 के अंदर में जो है वो मैनिफेस्टो जो डिक्लेयर किया गया, तो उसमें हम ये पाते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एग्रीकल्चरल लेबर प्लस इंडस्ट्रियल लेबर प्लस उसके साथ में जो है ये सोशल सिक्योरिटी सोशल प्रोटेक्शंस की जो तमाम बातें हैं जो बाद में बेवरेज प्लान में आई यूके में, ये तमाम बातें पहले ही इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के मैनिफेस्टो में बाबा साहब ने लिखा। और जब बाबा साहब लेबर मेंबर थे तब चाहे मिनिमम वेजेस हो, चाहे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट हो, चाहे महिलाओं के मैटरनिटी बिल हो, या साथ साथ में जो है महिलाओं बच्चों के लिए क्रंचेस हो, या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हो, या ट्राइपार्टाइट रिकनसाइलेशन हो बिटवीन द एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज एंड द गवर्नमेंट, ये जो तमाम थॉट्स है, ये तमाम जो लॉज है, जो तमाम पॉलिसीज है, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई। बाबा साहब तो भारत के इतिहास में लेबर राइट्स के जो है वो पायनियर हैं, और बड़े लेबर फिलोसोफर भी बाबा साहब अम्बेडकर थे, जिसके ऊपर मैं कहूँगा कि उन्होंने कहा था कि जो वेज स्लेवरी सिस्टम है, जो दुनिया में मेहनत करते हैं वो गरीब है, जो मेहनत नहीं करते कैपिटल को केवल मैनेज करते वो अमीर हैं, इसके वजह से जो विषमता होती है और इंसान का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है इसको समाप्त करने की ज़रूरत है और उसके जगह में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की ज़रूरत है। ऐसी एक मार्क्स के आगे की लेबर फिलॉसफी भी बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है। तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर एक ह्यूमन लेबर के फिलासफ़र भी है और लेबर राइट्स के, लेबर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी के जो है वो अग्रदूत भी है। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का महिलाओं और लेबर्स के लिए स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन है। महिलाओं के लिए हम सब जानते हैं कि हिंदू कोड बिल बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, चाहे उसमें प्रॉपर्टी राइट्स हो या विडो रीमैरिज का राइट हो, चाहे जो है वो बच्चों के एडॉप्शन का जो है राइट हो, या इंटरकास्ट मैरिजेस का जो राइट हो, ये तमाम बातें हिंदू कोड बिल के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने ड्राफ्ट की। और हिंदू कोड बिल को सोशल रिफॉर्म का एक सबसे बड़ा रिफॉर्म का प्रोजेक्ट बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि साइमन कमीशन के आगे जब बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो डिपोजिशंस दे रहे थे, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले भारत में आदिवासियों को और महिलाओं को भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए, यानी भारत के तमाम नागरिकों को वोटिंग राइट होना चाहिए, ये थॉट पहले बार प्रतिपादित किया। क्योंकि उस समय जो कांग्रेस थी और पर्टिकुलरली मोतीलाल नेहरू जी जो थे वो ये कह रहे थे कि नहीं भाई, जो जो लोग टैक्स पे करते हैं, जिनके पास ज़मीन है या जो कुछ एलिमेंट्री एक एजुकेशन है, उन लोगों को ही जो है वो वोटिंग राइट होना चाहिए। बट बाबा साहब इज़ द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर इन इंडिया जिन्होंने अडल्ट फ्रेंचाइज को जो है वो प्रपाउंड किया। आप मज़े की बात देखिए, 300 साल लगे यूरोप में वोटिंग राइट मिलने के लिए, ब्रिटेन में 1949 में महिलाओं को जो है वोटिंग राइट मिला, साउथ अफ्रीका में ब्लैक महिलाओं को 1996 तक रुकना पड़ा वोटिंग राइट के लिए, और भारत के अंदर में बाबा साहब ने 1928 में डिपोजिशन दिया, और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना 1935 का, और जो पहला चुनाव हुआ फरवरी 1937 में, उस समय में भारत की महिलाओं को भी वोटिंग राइट मिला। तो बाबा साहब अम्बेडकर महिलाओं के मुक्तिदाता है, ना केवल उन्होंने सिटीजनशिप राइट्स महिलाओं को दिलाए, बट प्रॉपर्टी राइट्स और अपॉर्चुनिटी राइट्स और एम्पावरमेंट के जो राइट्स है उसको बाबा साहब ने दिलाए। और बाबा साहब हरदम इस बात को बिलीव करते थे कि किसी भी समाज के प्रोग्रेस को अगर गिनना है तो वो महिलाओं के प्रोग्रेस के बगैर नहीं गिना जा सकता। तो इसलिए जो है बाबा साहब अम्बेडकर वुमेन्स एजेंसी को जो है वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। अभी यूएन जो है प्लानट 50-50 की जो बात कर रहा है 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, जो जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर एम्पावरमेंट जो गोल्स है, मैं समझता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर इसके अग्रदूत है जिन्होंने महिलाओं के राइट्स के ऊपर में बहुत बड़ी बात कही। उसी के साथ आज गुड गवर्नमेंट की बात हो रही, गुड गवर्नेंस की बात हो रही है, गुड गवर्नमेंट एंड गुड गवर्नेंस की बात हो रही है। बाबा साहब ने कहा कि गुड गवर्नमेंट और गुड गवर्नेंस डिपेंड्स अपॉन
गुड लॉज एंड गुड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी अगर कानून अच्छे हो, कानून संविधान सम्मत हो, कानून जो है वो मानवता सम्मत हो, और उसके साथ में एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो जो इसको गवर्न कर सके, लॉज एंड पॉलिसीज़ को, तो ही गुड गवर्नेंस है, तो ही गुड गवर्नमेंट है। तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट जो लॉज बनाती है, असेंबली जो लॉज बनाती है, उसको हमें देखने की ज़रूरत है कि क्या वो संविधान सम्मत होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल तो हो सकती है, जो लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, क्या उससे सुसंगत है या नहीं, इसको देखने की ज़रूरत है। और एटीट्यूड ऑफ द गवर्निंग क्लास जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, उनका एटीट्यूड जो है वो जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक एक गुड गवर्नेंस नहीं हो सकता, इसे हमें समझने की ज़रूरत है। इसके साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के यूनाइटेड इंडिया एंड स्मॉल स्टेट्स एंड सेकेंड कैपिटल का बड़ा महत्वपूर्ण विचार दिया। अभी आप देखिए, जब बाबा साहब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में गए, उसी समय से उन्होंने यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की संकल्पना दिया। उस समय सारे लोग प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी राज्यों की सरकार मजबूत हो, इसके ऊपर विचार दे रहे थे। बाबा साहब ने कहा कि अगर राज्यों की सरकारें केवल मजबूत हो और सेंटर की गवर्नमेंट कमज़ोर हो, तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगा, तो भारत डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। और ये जो स्मॉल स्टेट्स वगैरह है, ये जो अपनी अपनी प्राइवेसी मांग रहे थे, अपनी जो राइट्स मांग रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर इसके फेवर में नहीं थे, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल स्टेट्स के फेवर में थे। उसी के साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने एक यूनाइटेड इंडिया की संकल्पना रखी और यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि बाबा साहब नेहरू जो है वो फेडरेशन ऑफ इंडिया की संकल्पना रखी, लेकिन बाबा साहब ने अम्बेडकर ने एक यूनियन ऑफ इंडिया की संकल्पना रखी, एक यूनाइटेड इंडिया की संकल्पना रखी, एक इंडियन नेशन की संकल्पना रखी, लेकिन भारतीय राष्ट्र की बाबा साहब अम्बेडकर की संकल्पना या RSS की हिंदू राष्ट्र की संकल्पना से बिल्कुल जो है वो अलग है और कई मात्रा में श्रेष्ठ है। क्या बाबा साहब की इंडियन नेशन की संकल्पना है? बाबा साहब अम्बेडकर ने 1949 में जो अपना आखिरी स्पीच है 25 नवंबर को, उसको कहा था कि कास्ट आर एंटी नेशनल, और जब तक कास्ट को आप एनिलेट नहीं करेंगे, ये जो जेलसी एंड एंटीपैथी जो कम्युनिटीज़ के बीच में, कास्ट इन कम्युनिटीज़ के बीच में निर्माण होती है, जब तक वो रहेगी तब तक भारत एक राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए भारत में इक्वल सोशियो पॉलिटिकल कम्युनिटी, यानी हमारा जो संविधान है, हमारा जो कानून है, उसमें सबको समान जो है वो नागरिक अधिकार हो, राजनीतिक अधिकार हो, एक समान सोशो इक्वल पॉलिटिकल कम्युनिटी हो, और इसके साथ में हमारे देश का जो कल्चर है वो मानवतावादी हो, एनलाइटेंड हो, ये दो संकल्पना बाबा साहब अम्बेडकर की मैं समझता हूँ बड़ी महत्वपूर्ण है, तभी जाके कितन किन यानी भारतीयता का जो भाव है वो निर्माण होगा, ऊंचे नीचे का भाव समाप्त होगा, डोमिनेंसी समाप्त होगी, तभी जाके प्रबुद्ध राष्ट्र बनेगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर का महत्वपूर्ण संकल्पना है। इसलिए बाबा साहब की राष्ट्रवाद की संकल्पना ये प्रबुद्ध राष्ट्रवाद की संकल्पना है। इसके साथ बाबा साहब ने रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री की। बाबा साहब ने कहा कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज़ नथिंग बट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म, एक मानवतावाद चाहता है, दूसरा जो है मानवतावाद नकारना चाहता है। उसी तरह उन्होंने दासाज नागास का प्री आर्यन हिस्ट्री जो जोड़ा द अनटचेबल्स के अंदर में, उससे उन्होंने एक प्री वैदिक हिस्ट्री को भी जो है वो रीइन्वेंट किया, और पोस्ट वैदिक हिस्ट्री को भी बुद्धिस्ट हिस्ट्री को जो है वो रीइन्वेंट किया, और हम सब जानते हैं कि बाद में बुद्धिज़्म ली और बुद्धिस्ट इंडिया की संकल्पना बाबा साहब अम्बेडकर ने दी। मैं समझता हूँ ये बड़ी महत्वपूर्ण संकल्पना है। और इसके साथ जो फॉरेन पॉलिसी है, बाबा साहब अम्बेडकर जब रिजिग्नेशन दिया तो हम सब जानते हैं कि वुमेन्स के लिए, हिंदू कोड बिल के लिए रिज़ाइन किया सितंबर 1951 में, लेकिन दूसरा जो कारण था वो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन में जो बाबा साहब अम्बेडकर चेयरमैन बनना चाहते थे, और बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 340 आर्टिकल के तहत जो नहीं बनाया नेहरू गवर्नमेंट ने, वो भी एक रीज़न था। और इसके साथ साथ नेहरू की फॉरेन पॉलिसी जो है वो सही नहीं, वो प्रो कम्युनिस्ट थी, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर प्रो डेमोक्रेटिक फॉरेन पॉलिसी को चाहते थे कि हमारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के साथ में फॉरेन पॉलिसी होना चाहिए, लेकिन उसी के साथ भारत का हार्ड पावर यानी मिलिट्री पावर जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, और सॉफ्ट पावर यानी डिप्लोमेसी भी हमारी स्ट्रांग होना चाहिए। तो जो हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर है, और प्रो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो है उनके साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी हो। आज भारत जो है जो फॉरेन पॉलिसी परस्यू कर रहा है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के साथ, मैं समझता हूँ वो तमाम जो पॉलिसीज़ है वो तमाम बाबा साहब के व्यूज़ में आती है। और इसी के साथ में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है एक बहुजनों को और बुद्धिस्ट की बहुजन बुद्धिस्ट हो और बहुजन जो है वो बुद्धिजीवी वर्ग बने, और साथ में जो है वो शासन करती जमात बने और प्रबुद्ध लोग बने, ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो है वो संदेश है। वो ये कहते थे कि भाई किसी भी देश का जो भवितव्य है वो बुद्धिजीवी वर्ग पर डिपेंड करता है, और हमें बुद्धिजीवी वर्ग बनना चाहिए। ब्राह्मणों को उन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग मानने से जो है वो इनकार किया, उनको केवल एजुकेटेड क्लास कहा, इसलिए कहा कि इनमें वोल्टेयर क्यों पैदा नहीं हुआ, लेकिन बहुजनों ने बुद्धिजीवी वर्ग बनना चाहिए, उनकी
मंशा थी और हम गवर्निंग क्लास बनना चाहिए, इसलिए वो कहते थे कि मुझे आप लोगों में से एक प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखना है, बैकवर्ड क्लासेस में से, शेड्यूल कास्ट लोगों में से, और साथ में बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करके हम प्रबुद्ध भारत बनाएं और हम एनलाइटेंड पीपल बने, एक प्रबुद्ध नागरिक बने, प्रबुद्ध जो है वो जन बने। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर का बहुजनों के लिए जो है वो एक संदेश है, एक थिंकिंग है, बुद्धिस्ट बनने का, एनलाइटेंड बनने का, इंटेलेक्चुअल बनने का, गवर्निंग क्लास बनने का। मैं समझता हूँ ये महत्वपूर्ण है। तो बाबा साहब की ये तमाम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का थॉट है, जो कास्टलेस इंडिया एंड क्लासलेस इंडिया है, जिसका समाज डेमोक्रेटिक साइंटिफिक ह्यूमेन सोसाइटी होगी और हमारा देश एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक इंडिया होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक इंडिया होगा, एक सस्टेनेबल इंडिया होगा। ये बाबा साहब की न्यू इंडिया की संकल्पना है और इसके लिए भारत की जो कास्ट क्लास सिस्टम है, जो कास्ट फ्यूडल पेट्रियार्कियल रिलीजियस सोशल सिस्टम है, उसको आपको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ये न्यू इंडिया की संकल्पना मैं समझता हूँ, क्या मोदी जी जो है 2017 में क्या इसको जो प्रपाउंड कर रहे हैं क्या उसको लेंगे, ये समझता हूँ एक बड़ा प्रश्न है। केवल न्यू इंडिया कहने से न्यू इंडिया निर्माण नहीं होगा। बाबा साहब की ये जो 12 पॉलिसीज़ है और जो एक डेमोक्रेटिक साइंटिफिक ह्यूमेन सोसाइटी है, यानी लोकतांत्रिक वैज्ञानिक मानवतावादी समाज और एक संविधानिक और लोकतांत्रिक भारत, वैज्ञानिक भारत और एक जो है वो प्रबुद्ध भारत निर्माण हो, ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का कंसेप्ट है। लेकिन इसके साथ बाबा साहब ने इंटरनेशनल लेवल पर कुछ महत्वपूर्ण बातें कही जो हमें समझना ज़रूरी है। शॉर्ट में मैं उसको बताकर मैं समझता हूँ आज के संदेश को एंड करना चाहूँगा। बाबा साहब ने मार्क्स की फिलॉसफी को एक कंटेम्प्रेरी लेबर फिलॉसफी दी, जब बाबा साहब ने कहा कि वेज स्लेवरी सिस्टम को हमें समाप्त करके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी के ऊपर, और ये काम लेबरिंग क्लास कर सकता है, एम्प्लॉय क्लास कर सकता है, मेहनत कश वर्क कर सकता है, टॉलिंग मासेस कर सकते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर का एक लेबर फिलॉसफी है, मैं समझता हूँ कि जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जॉर्ज बुश के पहले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की संकल्पना बाबा साहब अम्बेडकर ने रखी। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और हिटलर के वजह से डिक्टेटरशिप का पूरा थ्रेट पूरे वर्ल्ड के अंदर आ गया था, उस समय में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर दैट दिस इज़ अ वॉर बिटवीन डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, और हमें यह देखना होगा कि डेमोक्रेसी जीते और डेमोक्रेसी वर्ल्ड ऑर्डर बने, यानी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर। अब आप देखिए, जब बाबा साहब ने यह बात कही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में 1942 में, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये बात कही, दुनिया में 20 कंट्रीज़ भी डेमोक्रेटिक नहीं थी, वो भी पूरी तरह से अच्छे से डेमोक्रेटिक नहीं थी। ब्रिटेन की भी बात करें तो डेमोक्रेटिक हम नहीं कह सकते क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट था। अमेरिका के अंदर रेसिज्म के प्रॉब्लम थे, यानी जो डेमोक्रेसीज थी वो भी डेमोक्रेसीज ठीक से नहीं थी। पर बाबा साहब ने डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर की बात कही और आज देखिए दुनिया में 120 से ज़्यादा जो कंट्रीज़ है वो डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है। यानी बाबा साहब अम्बेडकर कितने बड़े विजनरी थे जिन्होंने भारत और भारत से आगे जाकर दुनिया में एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था, नई वर्ल्ड व्यवस्था को देखा। इसी के साथ बाबा साहब ने कहा कि ये जो दुनिया के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसको अगर समाप्त करना है तो जस्टिस के आधार पे मॉडर्न सोसाइटी और मॉडर्न वर्ल्ड बनाना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर का बड़ा महत्वपूर्ण व्यू है। और आखिरी में उन्होंने कहा कि न्यू वर्ल्ड बनाने की ज़रूरत है धम्म के आधार पर, धम्म यानि मानवतावाद, धम्म यानि नैतिकता, धम्म यानि सत्य, विज्ञान, रीजनिंग, धम्म यानि समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, तमाम मानवों का कल्याण और तमाम जीवित प्राणियों का कल्याण, इसके आधार पे न्यू वर्ल्ड बनाना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वर्ल्ड फिलॉसफी है, ग्लोबल फिलॉसफी, यूनिवर्सल फिलॉसफी है बाबा साहब की, उसमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर, मॉडर्न वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड, तो न्यू इंडिया एंड न्यू वर्ल्ड, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर का रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड, इतना बड़ा बाबा साहब अम्बेडकर का फिलॉसफी है और ये कार्य उन्होंने पर्टिकुलरली भारत के अंदर किया और दुनिया को जो है ये विचारधारा दी, ये फिलॉसफी दी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आज मार्क्स जो है वो दुनिया के फिलॉसफर नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के फिलॉसफर है। ऐसे ग्रेट ह्यूमन बींग हमारे देश में पैदा हुए, उनका कार्य केवल दलितों के लिए नहीं, बहुजनों के लिए नहीं, तमाम भारतीयों के लिए है, जिससे भारत एक संविधानिक, लोकतांत्रिक, प्रबुद्ध राष्ट्र बन सके और दुनिया प्रबुद्ध विश्व बन सके। ऐसे महान फिलॉसफर, महान मानवतावादी रेवोल्यूशनरी दुनिया में बुद्ध के बाद केवल बाबा साहब अम्बेडकर हुए और इसीलिए अम्बेडकरिज्म से ही न्यू इंडिया और न्यू वर्ल्ड की निर्मिति हो सकती है। आओ 126वीं जयंती में इस कार्य को हम करें। संघ एम्बस और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया इस बात को लेकर आगे जा रही है। आप सभी से अपील है कि आप इस बात को ठीक से समझकर इस कार्य में अपना योगदान दें। जय भीम, जय फुले,
जय प्रबुद्ध भारत, जय प्रबुद्ध विश्व।